राणा चंद्र बाबू यहाँ पर बच्चों को कई बातें का प्रोग्राम था उसमें हम सब आए थे राणा चंद्र बाबू रूम दबो जिस प्रकार से विचार के सम्मेलन में विचार सरकार ने भी उसकी दिशा पर काम करने की जरूरत है और बच्चों में सभी जगह पर विचार पहुँचाने की दिशा में इसमें जो कंटेंट्स हैं वो कांग्रेस की तरफ से दायर की गई याचिका में इसलिए इसके कंटेंट्स मुझे पता नहीं है। जो राफेल के बारे में कांग्रेस पार्टी का व्यू था वो पहले जो व्यू था वही व्यू पर हम हैं और आने वाले समय में ये जो खामियां रही हैं ये ज़रूर उठाएंगे। तो ना ही वो पिटीशन कांग्रेस पार्टी ने दाखिल किया था तो पिटीशन के जो मुद्दे हैं वो भी हमें पता नहीं है। वो पिटीशन ना कांग्रेस की तरफ से दाखिल किया गया था ना पिटीशन के कोई मुद्दे हमें पता है, लेकिन जो कांग्रेस ने जो भूमिका रखी थी उस भूमिका पर भी जिस प्रकार से पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुजरात में 23 साल से जो वादे किए गए उसकी वादा खिलाफी हुई है। 6 साल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस देश में चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो गब्बर सिंह टैक्स हो, चाहे जिस प्रकार से जीडीपी गिरते हुए जा रहा है, इससे स्पष्ट है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी दिक्कत में है। किसान खेडूत परेशान है, ना पाक बीमा मिल रहा है, ना युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इसके खिलाफ का हमारा आंदोलन आगे भी जारी है। वो जो पिटीशन आपने देखा होगा बीजेपी के नेता ने इसके खिलाफ बात की थी कि राहुल जी के खिलाफ अवमानना की याचिका हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह से डिसमिस किया। सही मायने में राहुल जी ने सरकार शिवसेना के साथ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था आपकी बार 150 पार, महाराष्ट्र में कहा था आपकी बार 220 पार, हरियाणा में कहा था आपकी बार 75 पार, न गुजरात में 100 का आंकड़ा पार कर चुके, ना महाराष्ट्र में वो 105 के आगे जा पाए, उसके बाद 122 की भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा में 75 पार होने वाले थे आधे नाटक के। इससे स्पष्ट है कि लोकसभा में जो मैंडेट मिला, लोकसभा में जो जनादेश मिला, वो जनादेश 3 महीने में आपसे कहीं ना कहीं निकल चुका है। खासतौर से गुजरात के पेटा चूंटनी में, गुजरात के जो 6 पेटा चूंटनी की इलेक्शन हुई थी वो 6 में से 3 जगह पर कांग्रेस जीती है और जिनको मंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लेकर गई थी मंत्री छोड़ो धारासभ्य पद भी उनका बचा नहीं पाए। इससे स्पष्ट दिखता है कि गुजरात की जनता का रुझान, गुजरात की जनता का मैंडेट ये कांग्रेस के साथ जा रहा है। और खासतौर से अमराईवाड़ी जो 90,000 से कांग्रेस पीछे थी, हम चंद वोटों से हारे हैं और मुझे लगता है कि 2022 का चुनाव के नतीजों की ये ट्रेलर है।